ओके okay. इसे व्हाट्सएप पे मुझे लिखो एक बार करके आज करेक्ट करा दूंगा फिर मैं करेक्शंस कराने हैं तो आज सारे भेज दो आज मैं उसको भेज देता हूँ क्या क्या करेक्शन हुए व्हाट्सएप पे लिख देना ओके इलेक्ट्रोलिसिस इज व्हाट व्हेन चार्ज इज फास्ट बाय द बैटरी इसमें आ, हम लोग क्या करते हैं जैसे कि सो so, यहाँ पे ले लिया NACL. NACL को मोल्ट करने के लिए तुम्हें एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए ठीक है यहाँ पे कैथोड ले लो और एनोड ले लो ऐसे दो एनोड कैथोड ले लो और यहाँ पे एनएससीएल है अब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो होगा क्या कैट मूव्स टू कैथोड एन मूव्स टू एनोड मतलब एनोड पे हमेशा क्या होगा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है एन ए प्लस माइनस जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही लॉस करेगा तो सीएल ही लॉस कर सकता है ना तो सीएल ऑक्सीडेशन होगा तो सीएल माइनस सीएल सीएल किस साइड जाएगा लेफ्ट के राइट, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव टर्मिनल ओर जाएगा ना सब और एनए प्लस किधर जाएगा वो इसके और इलेक्ट्रॉन और लेकर वो डिपोजिट हो जाएगा यहाँ सोडियम यहां, यहां पर डिपोजिट होते जाएगा तो ये एनोड है और ये कैथोड है एनोड वो जहां ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडेशन किसका होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज हो तो सीएल माइनस कन्वर्ट्स टू सी और इलेक्ट्रॉन और सी किस में कन्वर्ट होगा हाफ सीएल टू ना एक मोल सीएल माइनस लोगे तो हाफ मोल सी एल टू आएगा कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन ये ऑलवेज टू है तो रिडक्शन होगा तो कौन सा होगा एन प्लस इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके सोडियम आएगा मोल्टेन एन ले ले तो तुम्हें तो हाफ सी एल टू गैस मिलेगा और एन मिलेगा तो वन मोल इलेक्ट्रॉन पास करें तो क्लोरीन का कितना मोल मिला हाफ मोल

से वन एक के वैलेंट ही डिपोजिट होगा या रिलीज होगा ओके okay. तो यहां पर क्या हो गया एनोड मतलब लोन वर्ड उसके लिए था लेफ्ट ऑक्सीडेशन नेगेटिव पॉजिटिव वहां नेगेटिव और पॉजिटिव बोलते थे हैं. एनोड क्या था निगेटिव की पॉजिटिव उधर गैल्वेनिक सेल में हाँ लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड एलओ एन निगेटिव एनोड को निगेटिव बोलते थे और यहाँ पे एनोड क्या होगा पॉजिटिव और कैथोड को निगेटिव होता है ऐसा क्यों हुआ करंट का फ्लो देखो करंट का फ्लो क्या दिखेगा इधर से इधर तो ये जो तुम जानते थे वही है एनोड मतलब पॉजिटिव कैथोड मतलब निगेटिव बट इनसाइड द बैटरी देखोगे इनसाइड साइड द बैटरी क्या था सीयूएस एनएस का सोल्यूशन तो करंट इधर से किधर से किधर गया कैथोड से एनोड ना तो ये उल्टा दिखता है ना फिर अपोजिट साइड दिखता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिव और इसको निगेटिव वहां तो उल्टा था क्योंकि बैटरी के अंदर से देख रहे हो तो करंट उल्टा साइड में जाता दिखता है अपोजिट डायरेक्शन तो ये हो गया एनोड मतलब पॉजिटिव कैथोड मतलब निगेटिव यहां पर हुआ उसके अंदर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस उसका अपना मैकेनिज्म हो गया ओके okay. तो इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या होता है कि जब ये एसी से कर सकते हो क्या अल्टरनेटिव करंट से इलेक्ट्रोलिसिस नहीं तो पोलैरिटी ही चेंज करते रहेगा कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव कभी उसको सोडियम मूव कर रहा है तो कभी क्लोरीन मूव कर रहा है वो वो तुरंत चेंज होते रहेगा मतलब पॉजिटिव निगेटिव मतलब कोई भी चार्ज किसी को नहीं जाएगा तो अल्टरनेटिव करेंट से इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकते हम लोग को डीसी देना पड़ता है डायरेक्ट करंट देना पड़ता है बैटरी देना पड़ता है इसीलिए इसका डेफिनेशन आ गया क्या डेफिनेशन है व्हेन चार्ज इज पास्ट बाय व्हाट बैटरी जब बैटरी चार्ज पास करेगा है ना

टेक्स प्लेस इलेक्ट्रोलिसिस का नहीं भेजा क्या देखो तो कहां तक भेजा था फिर वो मुझे लगा इलेक्ट्रो का पूरा नोट्स भेजा ये नोट्स में लिखा रहेगा

पेरोक्साइड रहता तो थर्टी टू बाई टू ऑक्साइड रहे तो सिक्सटीन बाई टू यही ना वैलेंट मास याद आ गया है? मतलब सुपरऑक्साइड का थर्टी टू बाई वन हाँ इसका थर्टी टू बाई टू बाई जो होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट यूज करना होगा इधर इस चैप्टर में ये सब यूज़ करना है बाय चार्ज जो होता था 96 32 प्लस 64 96 बाय चार्ज क्या है टू है ना इक्वलेंट मास ऑफ़ हाइड्राइड वन बाय वन क्लोराइड 35.5 बाय वन तो ये होता है तो फर्स्ट लॉक क्लियर हो गया ना कि जो चार्ज पास करेंगे डबल इज प्रोपोर्शनल टू

इसको हम लोग लिख सकते हैं फैराडाइज फर्स्ट ओके क्लियर हो गया देन डब्ल्यू इज्क्ल टू वैल्यू कितना हो गया जेड इंटू क्यू तो क्यू क्या वैल्यू हो गया जेड इंटू आई टी डब्ल्यू इज्क्ल टू जेड आई टी होता है। If Q is to one column, one column I वन कुलम कैसा आएगा आई के वैल्यू वन वन रख दो वन ऑफ द केस टी वन सेकंड रख दो तो वन कुलम आता है तो क्यू का वैल्यू वन हो गया तो डब्ल्यू का वैल्यू कितना होगा जेड तो इलेक्ट्रोकेमिकल एक वालेंट है क्या वो देखे डेफिनेशन फिर वही होगा वेन वन कुलम चार्ज इतना ही पास किया ना तो कितना मास डिपोजिट हुआ या ऑक्सीडाइज होकर बाहर आ गया वेन वन कुलम चार्ज इज बाय बैटरी तो वेट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रो केमिकल इक् ये तो क्लियर था डब्ल्यू इक्वल टू जेड कब आया जब क्यू का वैल्यू वन रख दो मतलब वन कुलम चार्ज को जब पास करोगे तो जो मास आया वही तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है अब आती ये बात, है बात करंट इफिशियंसी करंट तुम कितना भी पास करो बट मान लो सेवेंटी फाइव परसेंट यूटिलाइज हो रहा है तुमने हंड्रेड कोलम पास किया और सेवेंटी फाइव परसेंट ही इलेक्ट्रोलिस तो एक्चुअली डब्ल्यूज कल टू जेड क्यू जब लिखेंगे

उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्यू इन टू करंट एफिशियंसी तब एक्चुअल आता है करेंट कर वैल्यू क्या होगी एन क्या वैल्यू एक्चुअल चार्ज यूटिलाइज इन रिएक्शन एक्चुअल चार्ज कितना यूटिलाइज हुआ रिएक्शन में डिवाइडेड बाय व्हाट चार्ज पास्ट बाय बैटरी थियोरेटिकल एक्चुअल चार्ज यूटिलाइज बाय चार्ज पास बाय द बैटरी मतलब तुमने कितना चार्ज पास किया और कितना यूटिलाइज हुआ मान लो 500 हंड्रेड कुलम हम लोगों ने पास किया और 375 सेवेंटी फाइव यूटिलाइज हुआ 125 ट्वेंटी चार्ज वेस्ट हो गया सी कितनी हो थ्री सेवेंटी फाइव बाई फाइव हंड्रेड ओके तो ये आई जो हो गया हम लोग का एक्चुअल जो मिल रहा है इंटू इफिशियंसी सॉरी इंटू टाइम और यहां पे क्या हो गया आई थियोरेटिकल हम जो हम लोग ने बे मतलब क्यू का रेशियो था ना क्यू ऑब्जॉर्व बाई क्यू थेटिकल तो ये एक्चुअली कितना हो गया आई एक्चुअल करोरेटिकल इजक्वल टू वॉट आई एक्चुअल बाई आई थोरेटिकल ये हो गया परसेंटेज होगा तो बस हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो परसेंट करेंट या फिर आई एक्चुअल बाय आई थियोरेटिकल इनटू हंड्रेड ये एफिशिएंसी की बात होगी ओके सो वेट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस की बात करें तो W का वैल्यू कितना होगा Z इंटू आई ए इंटू टी ये होगा ना मतलब I एक्चुअली कितना जा रहा है उससे आ जाएगा ना ओके okay. वन फेराडे का डेफिनेशन क्या हो गया पहले से मालूम है सबको चार्ज प्रेजेंट ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो टोटल चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मोल इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना होगा तो वन फेराडे का जो वैल्यू हो गया वो हो गया वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस टू माइनस नाइनटीन इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन एच टू ट्वेंटी थ्री तो ये जो वैल्यू आएगा कितना आएगा नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो वन फे का वैल्यू नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो कुलम ये तो लॉन् कर लेना डायरेक्ट ओके सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो हमने बताया था सिर्फ इतना ही याद रहता तो हो जाता वो क्या है कि जब वन फेराडे चार्ज पास करेंगे तो कितना इक्विवेलेंट डिपोजिट होगा वन इक्विवेलेंट ये स्टेटमेंट ही काफी है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बाकी कोई लॉ याद रहो चाहे ना इलेक्ट्रोलिसिस के लिए स्टेटमेंट काफी है वेन वेन फेराडे चार्ज उसके बाद तो यूनिटरी मेथड से भी कर लोगे इस पास्ट थ्रू एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल ना लेके इलेक्ट्रोलिक्विक इलेक्ट्रोलिटिक लिखो इलेक्ट्रोकेमिकल तो वो आ जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल वन इक्लेंट ऑफ सबस्टेंस इज ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज कहां पर होता है एट एनोड पे होता है एंड रिड्यूस्ड

वन फेराडे से वन इक् वैलेंट आता है मतलब नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो कुलम मतलब कितना है वन वन फैराड से कितना आता है वन ग्राम इक् वैलेंट तो वन कुलम से कितना आ जाएगा वन बाई नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो ग्राम इक् वालेंट वन कुलम से इतना ही डिपॉजिट होगा ना तो इसको कितना लिख सकते हम लोग मास इक्वल टू जेड इनटू क्यू रखा था तो क्यू का वैल्यू जब वन रखोगे तो मास जेड हो गया वेन क्यू इज टू टू जेड और वेन क्यू इज टू वन डिपॉजिट कितना हो गया वन वन बाई नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो ग्रामिक के ना मतलब जेट का वैल्यू कितना मास मास ना ये डेरिवेशन का वैल्यू वन पुट करोगे तो जो होगा होगा वो हो ग्राम और अभी प्रूफ किया उन्होंने लोगों ने वन से कितना मास आता है ट्वेंटी थ्री बाई नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो जेड ऑफ मैग्नीशियम लिखना पड़ेगा तो इसका इक्विवेलेंट मास्टिक्स है 24 बाई 2 वैलेंसी 2 है ना तो बाई 96500 इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम लिखना पड़ा तो 9 होता है 9 बाई 96500 ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सबको कैसे किया हाँ तो इस पर कोई ऑब्जेक्टिव आ जाता है सिंपल ऑब्जेक्टिव जेड क्या है वो एक ऑप्शन में दे देगा दे ए बी सी डी मतलब चार ऑप्शन से कौन सा करेक्ट होगा एक ऑप्शन ये रहेगा ऐसा ओके ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बहुत है जी टॉपिक हो जाता है आराम से उसमें प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब वो जो अभी हम लोगों ने सेल का कंस्ट्रक्शन पढ़ा और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब जहां इलेक्ट्रोलिसिस होता हो ये इलेक्ट्रोलाइट सेल गैल्वेनिक सेल मतलब हो गया बैटरी के इनसाइड देख रहे हो और इलेक्ट्रोलिसिस मतलब बस सिंपली दो कैथोड एनोड और डाल के इलेक्ट्रोलिसिस करना बैटरी के थ्रू बैटरी के बाहर देख रहे हो उसमें बैटरी के इनसाइड देखते थे कंस्ट्रक्शन वगैरह कि बैटरी कैसे ऑपरेट करता और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता तो है वो बैटरी अब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा है अपनी एनर्जी को खुद डिस्चार्ज होके अपनी के अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे के केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सोडियम को अलग कर रहा है क्लोरीन को अलग कर रहा है ओके okay. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हो गया इन जनरल जो हम लोग का सेल था वो था गैल्वेनिक सेल जो हो गया जितना कंस्ट्रक्शन अभी तक पड़ा तीन चार सेशन में और ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल अब ये बैटरी के बाहर देख रहे हैं एक डीसी करंट दिया और इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम लोग डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो गया था जेड आई टी ना अब जेड को क्या लिख सकते हो टू आई टी अब बहुत तुम्हें इस पे करना ही क्या ये फॉर्मूला ही तो यूज करना है डब्ल्यू आई टी चार वेरिएबल है चार में से कोई तीन गिवेन होगा चौथा बताना होता तुम इसीलिए सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है इसको पुट करवा जाएंगे ओके okay. तो अभी जैसा कि मान लो कि एक फ्राइडे से मनी वैलेंट कैसे आता है उसके लिए एक और वे बता देता हूं मैं कि मान लो यहाँ पे मैंने सोडियम रख दिया एन एस सी एल या एन एस सी एल लिया अगले में मैंने एम जी सी एल टू ले लिया और यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लिया ए एल सी एल थ्री सबको सीरीज में डाल दिया तो करंट तो सेम ही पास होगा और इसको सबको मोल्टेन स्टेट में ले लिया कंटेनर अलग कर लिया गया तो ये कैसे आ गया वन ग्राम के वैलेंट से वन ये तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन जब हम लोगों ने भेजा यहाँ पे तो क्या होगा वन का एक, एक इलेक्ट्रॉन भेजो एल्युमिनियम कितना डिपोजिट होगा एल्युमिनियम का जब थ्री प्लस है थ्री इलेक्ट्रॉन से एक एल्युमिनियम आता है यही होता है ना इसमें क्या हो गया? थ्री मोल इलेक्ट्रॉन से कितना आएगा? 27 ग्राम एल्युमिनियम ना? थ्री मोल इलेक्ट्रॉन से 27 ग्राम एल्युमिनियम। तो वन मोल इलेक्ट्रॉन से कितना आया? नाइन ग्राम एल्युमिनियम। That इज equivalent मास ऑफ aluminium ना? उसी तरह मैग्नीशियम में भी वही वन वन फेराडे चार्ज पास किया गया तो मैग्नीशियम का टू इलेक्ट्रॉन से मैग्नीशियम आ गया तो वन मोल से इसका कितना मास आएगा टू मोल से ट्वेंटी फोर ग्राम वन मोल से ट्वेल्व ग्राम ना तो ये इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम है ना उसी तरह जो सोडियम से पास किया गया, गया इलेक्ट्रॉन को तो क्या बन गया सोडियम तो वन मोल से कितना आएगा इसका ट्वेंटी ग्राम ट्वेंटी ग्राम मतलब क्या हो गया इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम ना मतलब ये सबको सीरीज में रखो और केवल एक मोल इलेक्ट्रॉन ही दो सबको एक एक मोल इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो एल्युमियम को थ्री मोल इलेक्ट्रॉन मिले तो एक मोल फॉर्म होता है एल्युमिनियम तो थ्री मोल तो दिया नहीं हम लोग ने वन मोल दिया तो थ्री मोल से वन मोल एल्यूमिनियम मतलब ट्वेंटी सेवन ग्राम एल्युमिनियम तो वन मोल से ट्वेंटी सेवन बाई थ्री नाइन नाइन ग्राम आया दैट इज वन ग्राम इक्वाल ना मैग्नीशियम को भी टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले तो वन मोल मैग्नीशियम बनता मतलब टू मोल से वन मोल तो वन मोल से कितना बना ट्वेल्व ग्राम ना तो दैट इज ग्राम इक्वल मास ऑफ मैग्नीशियम सोडियम का भी कितना होगा वन मोल से ट्वेंटी थ्री ग्राम ये नोट कर सकते हो ये पार्ट इससे याद रहेगा क्यों वन फेराडे से वन इक्वल इससे क्लियर हो रहा ना यूला डायग्राम एक नोट कर लो क्लियर okay, कोई डाउट नहीं ना क्लियर है सबको ये जिससे ये मान चल गया कि वन फेराडे से वन इक्विवेलेंट आता है इसको क्या लिखे देखो डब्ल्यूल टू ये फॉर्मूला आया था अभी मास बाई इक्वेल एट मास आई टी बाई नाइन सिक्स फाइव जीरो लिखते हैं तो आई टी बाई एफ यही हो गया नहीं क्या हो गया मास बाई इक्ट मास इज नंबर ऑफ इक्वेलेंट तो नंबर ऑफ इक्वेल्ट को आई टी बाई एफ कर सकते हो इससे सारे क्वेश्चन होते रहेंगे तुम्हारे तो नंबर ऑफ इक्वेल एट इज टू आई टी कैल्कुलेट करो बाई एफ कर दो मतलब नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो मास्क कितना आता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट मास तो आईटी बाई एफ इनटू ई आएगा करेंट एफिशिएंसी है तो करेंट एफिशिएंसी कर देना हां नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर ये भी एक फॉर्मूला था ना और ये मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू ई तो कहीं भी आई और टी गिवन रहेगा मोस्टली क्वेश्चन में तो आईटी बाय एफ निकालना उसको एट मार्क्स से मल्टीप्लाई कर देंगे अब देखो नेक्स्ट में सबका इक्वेलेंट मार्क्स कैसा होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस क्या था वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ट्वेंटी टू पॉइंट फोर नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम एट एस आइडियल गैस एस टीपी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर ये लीटर में लेना पड़ता था तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं हम लोग जैसे ये हो गया वॉल्यूम बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर इसको वॉल्यूम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वॉल्यूम ले सकते हैं ना उसी तरह से तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना होगा मोलार वॉल्यूम कितना होता है 22.4 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर ऑफ गैस इससे इक्विवेलेंट वॉल्यूम आएगा तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा ये डेटा बहुत यूज होगा एक बार सोच लो इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मतलब एक इक्विवेलेंट ऑक्सीजन दिया जाए तो उसका एस पे वॉल्यूम क्या आएगा रॉन्ग हो रहा है इक्कीू वैलेंट ऑक्सीजन दिया जाए तो एसटीपी पे वॉल्यूम क्या होगा डिफाइंड है वो बताओ हाँ वरद का एक अमितेश का भी आंसर बहुत यूज आएगा इसके ये क्वेश्चन डायरेक्ट वाला समझो के आते रहता है मतलब एक इक्की वैलेंट ऑक्सीजन दिया दिया गया वन ग्राम इक्वाल ऑक्सीजन दिया गया वन ग्राम इक्वालेंट तो वॉल्यूम एटेस्टी पी क्या गया? आयुष करेक्ट है फाइव पॉइंट सिक्स लीटर व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ ओ टू ओ टू कहीं ऑक्साइड से ओ टू पे आ जाए या ओ टू से ओ टू माइनस भेजो तो चेंज इलेक्ट्रॉन टू हो गया इनटू एटोमिसिटी भी तो टू है ना तो फोर आ जाता है इनफैक्टर ओ टू का ओ टू का इनफैक्टर फोर होता है ऐसे समझो मास ऑफ ऑक्सीजन ये तो तैसा डायरेक्ट भी एट हो तुम्हें याद होगा एट होता है कैसे ओ टू माइनस से ओ टू बन जाए है ना तो भी क्या हो जाएगा इसका इनफैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू एटॉमिसिटी ऐसा फॉर्मूला था ना तो ये क्या होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन एटॉमिक मास इसका कितना होता है सॉरी सिक्सटीन बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट टू ही है ना और इक्विवेलेंट मास ऑफ ओ टू की भी बात करें तो कितना होगा थर्टी टू बाई चेंज कितना क्या है टू इंटू एटॉमिसिटी भी तो टू ही है ना तो ये होता ही है एटी है ऑक्साइड टू माइनस का पूछो या ओटू का पूछो सबका एट होता है ये तो याद होगा डायरेक्ट डेफिनेशन था कि वैलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन एट क्लोरीन का थर्टी फाइव पॉइंट फाइव हाइड्रोजन का वन यही तीन स्टैंडर्ड लेके चलते थे ना तो यहाँ इसका एट है इक्वेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इज एट वन ग्राम मतलब कितना हो गया एट ग्राम एट ग्राम मतलब कितना हो गया एट बाई थर्टी टू मोल वन बाई फोर मोल ना तो वॉल्यूम एट एस टीपी इंटू ट्वेंटी क्यों यूज होगा क्योंकि यूजली इलेक्ट्रोलिस करते हो और मान लो तुमने एन एस एल डाला या कोई कुछ भी डाल दिया वो सब्सटेंस खत्म हो जाए उसके बाद तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर आएगा तो वो तुमसे पूछता है कि कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का एसटीपी पे बनेगा तो तुम्हें सिर्फ इतना ही देना है देखना है कि कितना इक्विवेलेंट कितना चार्ज वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में गया वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस मान लो कुछ थाउजेंड कुलम चला गया थाउजेंड कुलम चला गया थाउजेंड बाई नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो क्यू बाई एफ क्या था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ना

ये कितना होगा वन बाई टू इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए है उसी तरह यही दो आता रहता है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ग्राम थर्टी फाइव पॉइंट फाइव बाई से हाफ मोल हाफ इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर ये भी कितना आ गया एलेवन पॉइंट टू लीटर एट एची तो जो इससे पहले फॉर्मूला दिया था कि मोलर मोलर वॉल्यूम है डिवाइडेड बाई एन फैक्टर फैक्टर का कितना होगा four होता है इसका एन फैक्टर कितना हो गया चेंज इन स्टेट टू जीरो से माइनस टू गया इनटू एटॉमिसिटी टू तो ये फोर होता है फिफ्टी सिक्स पॉइंट और ये हाइड्रोजन का कितना होगा एच टू मान लो एच प्लस से जा रहा है या एच माइनस जाएगा तो ये कितना होगा जीरो से प्लस वन इसका एन फैक्टर याद है कितना था चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका प्लस से जीरो टू होता था का तो होता है ना तो जो गैस बनेगा वो एच टू गैस होगा तो उसका एन फैक्टर टू है तो ट्वेंटी टू पॉइंट फोर बाई टू क्लोरिन का भी कितना होता है टू होता है ना तो 22.4 पॉइंट फोर बाई टू तो इक्यूलेंट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। ये क्लियर है कैसे सोच दो इसमें कोई डाउट है इतना क्लियर हो गया कैसे? ओके okay. नेक्स्ट में देखो तो बस इक्वेलेंट मास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा यूज होने वाला यही है तो हाँ उसके बाद एक ये सब तो पहले बता दिया मैंने मास इस पर मोलर फैक्टर, जस्ट रिकॉल कराया गया गया कितना हो गया। सोडियम का ट्वेंटी थ्री बाई वन मैग्नीशियम का ट्वेंटी फोर बाई टू एल्यूमिनियम का ट्वेंटी सेवन बाई थ्री यही है ना वो एच प्लस वाला भी दिया हुआ है टू एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस

Cu plus से Cu two plus क्या होगा एन फैक्टर ऑफ कॉपर हाँ फॉर्मूला याद है एन वन एन टू बाई एन वन प्लस एन टू यही है ना एन वन एन टू बाई एन वन प्लस एन टू बार बार आई टी में आते रहा क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहता ये कितना होगा प्लस वन से प्लस टू वन का चेंज प्लस वन से जीरो वन का चेंज, चेंज, चेंज बाई

हाँ तो एक बार पूरा देख लोगे वो आ जाता है अब क्वेश्चन कैसे होंगे जैसे मान लो फाइव फेराडे चार्ज इज पास्ट थ्रू मोल्टन एमजीसीएल टू फाइव फेराडे चार्ज को पास किया गया मोल्टन एमजीसीएल टू से तो मास ऑफ एम जी डिपोजिटेड एम जी तो डिपॉजिट होगा और क्लोरीन बाहर आएगा तो वॉल्यूम ऑफ सी एल टू प्रोड्यूस्ड एट एस टी पी कितना होगा मास ऑफ एंडली डिपोजिटेड करेंट और टाइम की जरूरत नहीं है वन फेराडे से वन ग्रामिक वैलेंट नहीं थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है ये बहुत बड़ा रॉन्ग हो है वन फराडे से वन ग्राम इक्वेलेंट होता है वन इक्वेलेंट सबका आएगा हाँ प्रणव करेक्ट है इसीलिए बोला ना बस वो याद रहे ना कि एक फराडे से एक इक्वेलेंट होता है सबका जो कुछ भी हो एक इक्वेलेंट हाँ शिवम करेक्ट है जीरो पॉइंट फोर वन ग्राम नहीं थोड़ा रॉन्ग जा रहा है शिवम का करेक्ट आ गया था और प्रणव का करेक्ट आया था अनुराग थोड़ा रॉन्ग हो रहा है लोकेश करेक्ट है तीन करेक्ट आंसर है तो स्ट्राइक इसलिए नहीं किया कि जस्ट अभी पढ़ाया राइट तो कंसेप्ट क्या है वन फराडे से वन ग्रामी के वैलेंट मैग्नीशियम वन ग्रामी के वैलेंट मैग्नीशियम कितना होता है ट्वेल्व ग्राम ना वन फराडे से ट्वेल्व ग्राम तो फाइव फराडे से 60 ग्राम ना क्लोरीन कितना आएगा वन फराडे से 11.2 लीटर एट आटेस्टेपी अभी बताया एकीवालेंट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन तो 5 लीटर से कितना आएगा इनटू 5 ना तो 5 इनटू 12 5 इनटू 11.2 लीटर क्लोरीन का मास पूछता तो मास ऑफ सीएल टू प्रोड्यूस कितना होगा तो 5 इनटू एकीवालेंट मास 35.5 बहुत सिंपल है ना मतलब ये बस वन फेराडे से मनी क्यू याद है तो कोई फॉर्मूला याद रहे चाह ना रहे सब हो जाता है पूरा क्वेश्चन हो जाता है कि तो मेथड ही है ना वन फेराइडे मतलब मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अब नंबर ऑफ ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन क्या होगा अब वो फाइव फेराडे की जगह थाउजेंड कुलम दे देता तब क्या करता है ये तो पहले नंबर ऑफ फेराडे निकालो कैसे थाउजेंड बाई वन सिक्स फाइव जीरो जीरो ना सपोज क्यू का वैल्यू दे दिया थाउजेंड कुलम तो नंबर ऑफ फराडे कितना होगा क्यू बाई एफ थाउजेंड डिवाइडेड बाई नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो उसके बाद इसी क्वेश्चन को करेंगे से. मतलब कंसेप्ट क्या हो गया अपना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना है क्यू बाई एफ मतलब आईटी बाई एफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को क्या लिखोगे मास बाई इक्विवेलेंट मास या वॉल्यूम बाई इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऐसा लिख सकते हैं ना इज इक्वल टू आईटी बाई एफ तो मास चाहिए, चाहिए तो इक्विवेलेंट मास इनटू आईटी बाई एफ या वॉल्यूम चाहिए तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम इनटू आईटी बाई एफ आईटी बाय एफ क्या है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई टी बाई एफ वो कैलकुलेट कर लो जैसे फाइव एम्पियर करेंट इसको वन आवर तक या टू आवर तक पास किया गया सो so, थ्रू कोई सॉल्यूशन ले लो एक्वस एनएसएल तो सी का प्रोडक्ट क्या होगा नेक्स्ट लेक्चर में जाएगा है ना बट तो होता क्या यहाँ पे एक्वस एनएसएल हो है तो वाटर भी है तो वाटर में H प्लस और ओ एच माइनस भी होता है यहाँ हाइड्रोजन गैस बाहर जाता है यहाँ से सीएल बाहर जाता है तो सोल्यूशन बचे क्या क्या एन और एच के रिस्पेक्ट में किसका इलेक्ट्रॉन गेन करने के गे तो? की टेंडेंसी ज्यादा है एन ए प्लस और एच प्लस लोगे तो एच प्लस उसका electron, उसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो है हाईर है सोडियम का कोई चांस नहीं इलेक्ट्रॉन कैप्चर करे सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ पे कौन सा बाहर निकलेगा यहाँ पे एच प्लस बाहर निकल जाएगा एच टू बन के एनए प्लस तो सोल्यूशन भी रह गया और Cl माइनस OH माइनस तो हो गया था Cl₂ निकल गया था सॉल्यूशन बच क्या गया इधर NH₄⁺ बच गया इधर OH⁻ तो प्रिपरेशन ऑफ NH₄⁺ याद करो S ब्लॉक प्रिपरेशन ऑफ NH₄⁺ वाटर लिया NH₄Cl को डाल दिया और इलेक्ट्रोलिसिस कर दो सॉल्यूशन में जो बचेगा NH₄⁺ बचेगा अब ये मान लो कि V सॉल्यूशन दिया हुआ है कुछ six लीटर तो तुम्हें बताओ हाइड्रोजन के बारे में मास पूछ सकता है वॉल्यूम पूछ सकता है तो मास ऑफ हाइड्रोजन पड़े उस कितना होगा ओके तो कैलकुलेट हो जा रहा है राइट वेरी गुड ने आंसर कर दिया तो मास ऑफ प्रोड्यूस आईटी बाय एफ इनटू इक्विवेलेंट मास कर दें आईटी कितना होगा अब वो सबके लिए यूज होगा तो आईटी बाय एफ को अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं तो आईटी बाय एफ विल बी व्हाट करंट हो गया फाइव टाइम सेकंड में कितना होगा 2 into 60 into 60 2 into 60 into 60 by 96500. ये आ गया तुम्हें उसके बाद कहीं पुट कर दो फाइव इंटू टू इंटू थर्टी सिक्स जीरो इंटू इक्वेलेंट वॉल्यूम इक्वेलेंट मासन कितना होता है ना और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसटी पी यही जो आई टी वाई एफ आया वो तो आया ही इन टू आई टी वाई एफ क्या था नंबर ऑफ इक्की वैलेंट नंबर ऑफ इक्की वैलेंट इन वॉल्यूम हाइड्रोजन का इक्की वॉल्यूम कितना इलेवन पॉइंट लीटर ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन बहुत आता है क्लोरीन का पूछता एम सी एल टू प्रोड्यूस तो आई टी वाई एफ जो आया वो तो ठीक है इन टू मास कितना 35.5 ना वॉल्यूम ऑफ सी पूछता तो आई टी वाई एफ यही सब क्वेश्चन होंगे इन टू एलेवन पॉइंट टू ओके अब ये सब आ गया और जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछता पीएच ऑफ द सॉल्यूशन और ये सबका रॉन्ग होता रहता इवन जितने ये रिपीटर्स में आए थे उनका नाइनटी फाइव नाइन्टी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट से ऊपर आया बट किसी का आंसर याद नहीं था किसी को पीएच कि कैसे आता है ओके okay. इसका एक वे होगा इतना देर में सोच लिया तुम लोगों ने एच प्लस का इक्विवेलेंट और मोल दोनों सेम होता है इनफैक्ट वही है ना तो जो यहां पे बचा जितना इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का गया उतना ही इक्विवेलेंट क्लोरीन का भी गया और उतना ही इक्वेलेंट एनोवे फॉर्म हुआ सबका सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एच टू टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ

तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन भी तो उतना ही होगा ना इक्कीलेंट और मोल में क्या डिफरेंस है एन फैक्टर तो ही है इसका एन फैक्टर क्या था जैसे होगा तो टू होता था ना एलोए होगा तो थ्री होगा यहाँ तो उतना ही वन ही रहेगा ना तो नंबर ऑफ मोल्स भी उतना ही आ गया आई टी वाई एफ सो वॉट विल ऑफ एन एम एच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एच बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट वाला है इसका पीएच कैलकुलेशन करना कुछ नहीं आई टी वाई एफ ही निकाला आई टी वाई एफ जितना भी आया था डिवाइडेड बाई कितना हो गया वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जितना लिया सिक्स लीटर ये हो गया कंसेंट्रेशन उसका इजी है मतलब उसका आई टी वाई एफ निकालो और उससे आ जाएगा ये है ना Okay. मान लो मास चाहिए वो कई बार ऐसा देता है कि हंड्रेड ग्राम कॉपर प्रोड्यूस करना है हंड्रेड ग्राम कॉपर फ्रॉम सी यूएसओ फोर तो फाइव एम्पियर करेंट और कितना टाइम दोगे तो इतना डिपोजिट होगा नंबर ऑफ कितना हो गया आई टी वाई एफ तो मास कितना हो गया ये कितना था मास वाई के मास था हंड्रेड वाई के कॉपर का कितना होता सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव बाई टू एन फैक्टर तो टू ही है ना सी यू टू प्लस से कॉपर में गया एन फैक्टर टू है बाईक् टू आई टी वाई एफ करेंट फाइव वही कैलकुलेट करना है ना इससे आ जाएगा क्लियर हुआ okay. दस दस मिनट और ये फेराइडिस सेकंड लॉ भी बता दू वैसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा बट ये बता ही चुका था देख लो क्या है? सेकंड लॉ में क्या लिखा हुआ है सेम चार्ज को पास किया गया टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो अभी दिया था मैंने एनएससीएल दिया था ना और एमजीसीएल टू और एल सी एल थ्री एनएससीएल एमजीसीएल टू एल सी एल थ्री सब एक साथ थे ना तो सेकंड लॉ क्या हो जाएगा सेम चार्ज इज पास थ्रू टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखो लिखा हुआ है सेम नंबर ऑफ इक्वेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड एट देर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब जो भी होगा जैसे कि मैंने पास किया कि एन एस सी टू ए थ्री इसके सॉल्यूशन से तुम जितना भी पास करोगे जैसे वन फेराडे पास किया था इसका कितना आएगा सोडियम का ट्वेंटी थ्री ग्राम मैग्नीशियम ट्वेल्व ग्राम एल्यूमिनियम नाइन ग्राम ऐसे होगा ना फाइव फेराडे चार्ज पास कर दिया गया तब क्या होगा 5 से इसका कितना होगा? 5 into 23, ये, 5 into 12, और ये, और 9, यही होगा ना? जितना है, एक इक्विवेलेंट मास, यही पूछा गया है, क्या बोला गया है? कि जितना सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसरास फाइव इक्विवेलेंट फाइव इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंसिडाइज और रिड्यूस तुम जिससे भी पास करो वो सोल्यूशन एन एस होमजीसीएल थ्री हो एन एच होल होर जो कुछ भी हो फाइव इक्विवेलेंट सबका आएगा बस टेन फेराइडेलेंट सबका होगा टू फेराइडेस टू इक्वेलेंट सबका आएगा लॉ हो गया ना कि सबका सेम सेमीक्यूवेलेंट आता है जब सबका सेम सेमीक्यूवेलेंट आता है तो तुम्हारा पहले वाले का मास वाई की वैलेंट मास इसकोल्ड टू दूसरे का भी मास वाई की वैलेंट मास ऐसे कर सकते हो ना एग्जांपल मान लो दे कि 50 ग्राम सोडियम आया तो मास ऑफ मैग्नीशियम कितना आएगा प्रोड्यूस सेम चार्ज पास्ट सेम चार्ज पास किया था मतलब सेम आएगा सबका इसका कितना होगा तो हो e, मतलब डब्ल्यू वन बाईल टू डब्ल्यू टू बाई टू ये तो फर्स्ट लॉ से ही हो जाएगा डब्ल्यू सू इज प्रोपोर्शनल टू तो पहले ही क्या हम लोग आई टी तो दोनों लॉ मिला के सिंपली सिर्फ इतना ही याद है कि नंबर ऑफ इक्वरेंट इज कॉल टू आई टी वाई एफ होता है तो सब हो जाएगा जैसे देखो इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ जो मैंने दिया इसमें एक CL2 है और राइट right वाले में क्या है ओ टू गैस और कॉपर हो रहा है सी सो फोर सोल्यूशन है इधर एक कॉन्कसीएल में क्या क्या जाएगा कंसेंट्रेटेड एच सी एल कैथोड दिख नहीं रहा है बट क्या होना चाहिए कौन सा कैटाइन है तुम्हारे पास हाँ एच सी एल ले तो पे एनोइड पर सीएल से सीएल और कैथोड पे क्या बन जाएगा एच प्लस से एच टू गैस ना तो विजुअल नहीं है इनर्ट इलेक्ट्रॉन में क्या एच टू गैस आ जाएगा यही होगा ना एनोड पे क्या हो गया सीयूएसओ फोर लोगे तो सीएसओ फोर में क्या हो गया कॉपर डिपोजिट होगा और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होगा अब किसका कितना तो तो सबका सेम आएगा क्योंकि सीरीज में है ना तो अभी मैंने बताया था कि जितना इक्वेलेंट क्लोरीन का डिपोजिट हुआ उतना ही इक्वेलेंट हाइड्रोजन बाहर जाएगा उतना ही इक्वेलेंट ऑक्सीजन का भी होगा उतना ही इक्वेलेंट कॉपर का भी होगा तो करना ही क्या है सबका इक्वेलेंट जब सेम ही है तो सबका इक्वेलेंट निकाल दो आई टी वाई एफ से और सबका वैल्यू कैलकुलेट कर लो क्लियर हुआ इसमें डाउट है हाँ तो बस इतना ही करेंगे